नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका आपके अपने चैनल हरियाणा MRI हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ L-spine के बारे में। L-spine की पोजिशन कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो देखो, ये स्कैनो साइज के ऊपर मैं कॉर्नल स्कैनो की प्लानिंग करने जा रहा हूँ। तो ये देखो, मैंने पूरे स्पाइन के ऊपर ये स्लाइस रख दी है, बीच में से पकड़ के स्लाइस करो, स्टार्ट कर दिया और ये अपना स्कैनो स्टार्ट आ जाएगा, स्कैनो कॉर्नल की इमेज आने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये साइज के ऊपर प्लानिंग होती है कॉर्नल की, पहले स्कैनो साइज आता है, दूसरे उसमें साइज के ऊपर प्लानिंग करके स्कैनो कोर आ जाएगा। ये देखो, अपनी स्कैनो कॉर्नल की इमेज आ गई है दोस्तों। तो ये डाटाबेस से मैं पहले स्कैनो कॉर्नल उठाता हूँ और उसके बाद स्कैनो सेजाइटल उठा लिया और लोड मल्टीपल पे कर दिया मैंने। अब स्लाइस को मैं एग्जैक्ट बीच से पकड़ के आगे पीछे करना है, जो भी करना, साइड में करना है, राइट लेफ्ट जो भी करना हो करके देखो, बीच से पकड़ना पड़ता है इसको। एक हाथ का निशान आ जाता है उस पर जब उसको बीच में से पकड़ उठाने की हो जाता है। देखो ये भी, अब ये अपना फैट कटर उठा रहा हूँ मैं, ये अपना फैट कटर है, ये फैट को काट देता है और उससे इमेज थोड़ी अच्छी लगती है, ठीक है दोस्तों। ये अपना कॉर्नल का स्कैनो था और ये अपनी देखो पूरी स्पाइन को कवर कर लेते हैं हम। स्पाइन को कवर करने के बाद पूरी ऐसी हो जाती है कि स्पाइन कवर हो जाती है फैट कटर को अच्छे से लगाने के बाद। स्टार्ट कर देते हैं T2 को और इसके बाद फिर T1 लगाते हैं, सेल्स T1, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर रहेगा इसका भी, एज इट इज लगाना होता है, लेकिन एक नई बात मैं आज को सिखा रहा हूँ आपको, कॉपी करना। ये देखो, जो सेल्स T2 लगाया था एज इट इज, उसी को कॉपी कर लेते हैं। पहले इस पे कॉपी वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सेल्स T2 पे क्लिक करते हैं। जैसे कि जैसे लगाया था अपन ने सेल्स T2, ऐसे सेल्स T1 लग जाएगा अपना और उसको फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा फैट कटर अलग होता है, लेकिन फैट कटर को भी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। और देखो, आप T2 की इमेज दिखा देता हूँ आपको, T2 की इमेज अपनी कैसी आई है। ये अपनी सेज T2 की इमेज आ गई है, ठीक है। तो ये अपनी सेज T2 की इमेज हो गई, 9 इमेज थी अपनी, यानी कि 9 स्लाइस लगाई थी, तो 9 इमेज अपनी आ गई है, ठीक है। तो सेज T2 और सेज T1 की 9 इमेज लेते हैं, एक्सेल T2 और एक्सेल T1 की 18, लगभग 18 लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट के होते हैं, कम ज़्यादा भी कर लेते हैं कोई टेक्नीशियन, अपने अपने हिसाब से सब अपना सिस्टम करते हैं। देखो, ये T2 लगाने जा रहा हूँ मैं, एक्सेल T2, ठीक है। पहले उठाया मैंने सेज T2, उसके बाद मैंने उठाया कॉर्नल T2, ठीक है। ये मैंने हटा दिया ताकि आपको अच्छे से दिख जाइए मैं प्लानिंग कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, ये रोटेट कर दिया मैंने, टिल्ट कर दिया या रोटेट कह लो इसको, ये मैंने घुमा दिया मतलब स्लाइस को, ताकि अच्छे से अपनी प्लानिंग हो जाए, ठीक है। ये अपनी 3 स्लाइस थी जो नीचे वाली है, जो 3 स्लाइस अपनी, और ये अपना फैट कटर है, फैट कटर को रोटेट करके टिल्ट करके इसको लगा देंगे आगे, ताकि फैट ना आए अपनी, ठीक है। तो अब देखो, जो ये S1 पे तो मैंने लगा दी है, अब L5 पे लगाऊंगा, जो मैं उसको घुमा दूंगा, ये अपना फैट कटर मैंने सेट कर दिया। देखो, अब L5 वाली जो स्लाइस है उनको लगा देता हूं मैं, ठीक है। ये मैंने देखो लगा दी है यहाँ पे, 4 कर दिया मैंने, ठीक है ना, 4 स्लाइस ले रही है क्योंकि 18 बना देते हैं अपन, और यही इसको प्रॉब्लम है, तो यही 4 लगा देते हैं इसको। L4 L5 में ही दिक्कत है, तो यहीं पे ज़्यादा स्लाइस वगैरह बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, बाकी में तीनों तीन लगा देते हैं, इस पे भी 3 ही लगा देते हैं, ठीक है। ऊपर वाली पे 2 छोड़ देते हैं, ठीक है। L1 पे 2, L2 पे 3, L3 पे 3, L4 पे 3 और L5 पे 4 स्लाइस के लगा दिए मैंने,
ठीक है, इसको थोड़ा जो है ना बीच वाले स्लाइस, इसको बीच में ही होना चाहिए, वर्टेब्रा के बीच में रख देते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये हाथ का निशान बन जाता है ना, तब स्लाइस को ऊपर नीचे उठा सकते हैं हम, ठीक है। ये हाथ का निशान बन गया, आपको दिख भी रहा है, और ऐसे एरो का निशान हो जाएगा तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब ऊपर नीचे नहीं कर सकते। देखो एरो का निशान बन गया, अभी हाथ का निशान बन जाता तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे हम इस पे पोजीशन कर देंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। हम ऐसे ही वीडियो समय समय पर लेके आते रहते हैं MRI से रिलेटेड ही। देखो यही एक्सेल T1 एज इट इज लगेगा, मैंने कॉपी करना आपको बता दिया था, दोबारा से मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखो ये इस ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद एक्सेल T2 पे क्लिक करेंगे। एक्सेल T2 पे क्लिक करने के बाद एज इट इज हमारी प्लानिंग थी जो T2 की, वही सेम टू सेम T1 में लग गई, ठीक है ना। थोड़ा फैट कटर को मैं पहले भी बता रहा था, फैट कटर थोड़ा सा करना पड़ता है एडजस्ट अपने को, फैट कटर एज इट इज नहीं लग पाता, तो फैट कटर को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस पे देखो उसमें T2 में 4 स्लाइस थी, यहाँ पे 3 थी, तो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे चेंज मैंने कर दिया स्लाइस को, ठीक है ना। तो ये अपनी एज इट इज हो गया T2 और T1, देखा मैं दिखा दे भी देता हूँ आपको, देखो ठीक है ना, ये अपना हो गया। और ये जो है ना, इसको पीछे से जो आपको क्रॉस के निशान दिख रहे हैं, इसको थोड़ा पीछे मिला के रखना होता है, ताकि अपनी इमेज आके पीछे ना आए, ठीक है। तो मैं आपको देखो अब फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ T2 की इमेज को, सेल्स T2 की इमेज को फिल्टर लगा देता हूँ। देखो ये T2 की इमेज पे, उस पर क्लिक किया जो इमेज आई हुई थी, और इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये स्टार्ट करने के बाद देखो ये इमेज अपनी आ गई है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा जूम वगैरह करके फिल्म वगैरह में भी देना दिखा देता हूँ, कैसे देखते हैं फिल्म भी, ठीक है। इसको देखो जूम करते ही ये लेंस का निशान दिख रहा है आपको, लेंस टाइप का, तो उस पर क्लिक करते हैं और इसको जूम कर देते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू FOV, अकॉर्डिंग टू पेशेंट के होता ही है, लेकिन लगभग 1.440 या 45 ही लेते हैं साइज T2 की जूम, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत पेशेंट के अकॉर्डिंग भी होता है, तो वो अपने को देखना होता है, FOV के अकॉर्डिंग भी होता है। कई ज़्यादा FOV लेते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जूम करना पड़ जाता है, तो वो देखो मैंने जूम कर दिया था सब कुछ, ठीक है। ये अपनी T1 की इमेज आ गई, देखो सेज T1, सेजेट्रल T1 की इमेज अपनी ये, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे हम प्लानिंग वगैरह करते हैं LS की। इसकी भी अपन टू डी लगा के दिखा देता हूँ आपको, 2D कैसे लगाते हैं। इस पेशेंट को देखो है ना, L4 और L5 में दिक्कत है, ठीक है ना। L5 और L3 में एक तो इसकी कंप्रेस हो गई है नरो रूट, ठीक है, और एक इसको थैकल सैक है, ठीक है। L4 L5 में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको भी जूम कर देते हैं, इसकी जूम थोड़ा उससे सेज T2 से कम रखते हैं, क्योंकि ये वो सिर्फ एक फिल्म देते हैं अकेले सेज T2 की, लेकिन सेज T1 के साथ अपने को कॉर्नल शटर भी देना होता है, इसलिए थोड़ा सा फिल्म का साइज छोटा हो जाता है, मतलब ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी इसकी जूम कम ही रखते हैं। ये सेज सॉरी कॉर्नल शटर की प्लानिंग भी दिखा देता हूँ मैं, कॉर्नल शटर की प्लानिंग कैसे करते हैं। पहले सेज T2 उठाया मैंने, और उसके बाद कॉर्नल शटर उठाया, ओ सॉरी कॉर्नल स्कैन उठाया, ठीक है। ये देखो पूरे की पूरी स्पाइन अपनी कवर होनी चाहिए, और पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी कवर होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड भी कवर होना चाहिए अपना, ठीक है। तो
ये साइड में जो कॉर्नल पे अपना जो एरिया दिखा रहा है, इतना एरिया को मतलब ये FOV है, ये अपना इतने एरिया को कवर करेगा ये, ठीक है ना। इसलिए इसको साथ में उठाते हैं कॉर्नल को, ताकि अपने को पता लग जाएगी कितना अपना एरिया कवर होगा। ये देखो एक्सेल T2 की इमेज आ गई अपनी, ठीक है, एक्सेल T2 की इमेज है ये अपनी 18 इमेज है, 17 भी ले लेते हैं इमेज, उसको फिल्म में एक स्कैनो दे देते हैं, तो उसको 18 कवर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। बाकी अपना अपना सबका अलग अलग सिस्टम होता है, कोई कैसे कुछ करता है, कोई कैसे कुछ करता है, तो अपने हिसाब से आदत पड़ जाती है सबको। ये अपनी T1 की इमेज हो गई, एक्सेल T1 की इमेज हो गई। थोड़ा सा इसको ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा हल्का डार्क करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना इसको, बस इतना सा छोड़ देते हैं, ठीक है। ये अपनी एक्सेल T1 की, देखो एक्सेल T1 और T2 में आपको अलग ही फर्क दिखाई दे रहा है। ये वाइट वाइट पूरी वाइट वाइट इमेज दिख रही है, वो ब्लैक ब्लैक दिख रही थी, ठीक है ना। जो फैट है, फैट वगैरह है, इसमें वाइट दिखाई दे रहा है, उसमें ब्लैक दिखाई दे रही थी, ठीक है। अब इसको भी 2D लगा देते हैं, ये देखो 2D लग रही है। T2 को मैंने पहले लगा दिया था, अब T1 को लगा रहा हूँ। इसको लगभग 1.30 या 25 ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। वो अकॉर्डिंग टू वही मैं पहले बताया था, पेशेंट के अकॉर्डिंग और FOV के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको थोड़ा डार्क करके फिल्म देखो, मैंने पहले 18 इमेज मैंने पहले बताया था, 36 का टोटल फॉर्मेट लेते हैं। ऊपर की 18 में मैंने एक्सेल T2 दे दिया और नीचे की 18 में एक्सेल T1 दे दिया, ठीक है। और इसको प्रिंट कर दिया और इसको डिलीट शीट और डन कर दिया, यानी कि अपनी एक फिल्म कंप्लीट होगी। एक साइज T2 के अकेली 9K फॉर्मेट में दे देते हैं, ठीक है। अपना देखो ये शटर कॉर्नर भी आ गया है, अपना कोर शटर है, ठीक है। इसको भी मैं इमेज वगैरह देखो फिल्म में देने दिखा देता हूँ कैसे देते हैं, इसके 2D लगा के कैसे अपना उसमें देना है फिल्म में, ठीक है। थोड़ा सा इसको 1.5 या 1.10 तक ही रखते हैं इसकी जूम वगैरह। ये देखो थोड़ा सा इसको विंडो सेट करके अच्छा लगता है, 2D लग गई अपनी ये। देखो ऊपर की 9 इमेज में पहले बता रहा था, ये एक फिल्म में साइज T2 दे दिया, दूसरी फिल्म में साइज T1 के साथ कॉर्नल शटर देना होता है। नीचे के देखो चार चार के फॉर्मेट के हिसाब से अपन कोर शटर डाल देते हैं पेज करके, ठीक है। और ऐसे पूरी फिल्म अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसका स्कैनो हटा भी देता मैं कभी कभी, तो ये अपनी अलग अपना अपना प्रोसीजर है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, हमारे चैनल के साथ बने रहिए ज़्यादा वीडियो के लिए। धन्यवाद।